छोटे अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आज होंडा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल पे एक टीजर डाला है जिसमें कुछ मतलब इंडिकेट किया है कि 100 से रिलेटेड उनका कुछ बाइक आने वाली है। अब ये 100 सीसी के सेगमेंट की कोई बाइक होने वाली है या फिर ऐसी कोई बाइक होने वाली है जो 100 का माइलेज देगी, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि 100 का माइलेज दे। तो तय फ्लेक्स फ्यूल पे कोई बाइक लॉन्च करने वाले हो, लेकिन जहां तक र्यूमर्स हैं और जितना मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है यही है कि 100 सीसी की एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक आने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल भी रहा है कि शाइन जो है उसका 100 सीसी का वेरिएंट आने वाला है, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा खासे ऑप्शन नहीं है कम्यूटर सेगमेंट में 100 सीसी में जो कुछ ज़्यादा अच्छा माइलेज दे सके। इस बाइक को बनाया जाएगा डेली लोगों जो डेली कंप्यूटर सेगमेंट के हिसाब से जिनका डेली रनिंग पर्पस ज़्यादा है, तो उनको एक बेहतरीन माइलेज वाली ये बाइक मिलने वाली है। तो टीज़र अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार टीज़र देख लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई क्या ये मतलब बाइक होने वाली है, क्या प्राइस रहेगी, क्या सब कुछ आपको इसमें नया मिलने वाला है। तो ये छोटे तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज़्यादा चले और लंबी टिके। तो तैयार हो जा छोटे। अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आ रही है होंडा की 100 होंडा के भरोसे के साथ। भाई इसका टीजर था जो कि हर जगह ऑफिशियल हैंडल्स पे इन्होंने डाला है, इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे। और इसको देख के तो बस ये तो पूरा क्लियर है कि 100 से रिलेटेड कुछ आएगा। अब वो 100 सीसी में क्या होगा, 100 सीसी के सेगमेंट में हो सकता है शाइन भी लॉन्च कर दे, क्योंकि रूमर चल रहे थे कि शाइन का जो 100 सीसी का वेरिएंट है वो इंडिया में आने वाला है, या फिर 100 सीसी के सेगमेंट में ऐसी कोई बाइक यूज़ करी जाए जो डेली पर्पज़ के लिए कम प्राइस में अच्छे माइलेज वाली बाइक हो, जिसमें आपको मतलब कम्यूटर सेगमेंट की कमी आपकी पूरी हो रही हो, डेली पर्पज़ आपका पूरा हो रहा हो, जिनकी डेली रनिंग ज़्यादा है, जो मार्केटिंग वाले भाई हैं या फिर जिनके डेली रनिंग ज़्यादा रहती है, तो उनके लिए ये बाइक बनाई जाएगी 100 सीसी के सेगमेंट में, जिसमें आपको कुछ 8 bhp के आसपास पावर देखने को मिलेगी और इतना ही आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो माइलेज है वो 80 के आसपास रहने वाला है, 75 से 80 के बीच में इसका माइलेज आपको मिलेगा। और इसकी जो प्राइस है वो अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि होंडा है ना बिल्कुल जब लॉन्च कर रहा होता है उससे पहले ही लीक्स करता है, उससे पहले एक दो दिन पहले ही अपने प्रोडक्ट्स को लीक्स करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक साल से प्रोडक्ट बना रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है, फिर लॉन्च करेगा, ऐसा नहीं होता। लॉन्चिंग के टाइम पे ही वो सब कुछ बताता है। तो प्राइस अगर देखो 100 सीसी के सेगमेंट में कम्यूटर सेगमेंट की बाइक रहेगी तो 100 सीसी के सेगमेंट में कुछ 80 से 85 हज़ार के बीच में इसकी ऑन रोड प्राइस रहने वाली है। और लुक्स वगैरह सारे आपको मिलते जुलते जो लीवो की 110 वगैरह आती है उनसे रिलेटेड मिलते जुलते कम्यूटर सेगमेंट की बाइक 100 सीसी में उतारी जाएगी। और जहां तक मानना है तो 100 सीसी की बाइक ही होंडा की तरफ से आने वाली है, और इसी मंथ यानी कि इस मंथ तो ये मंथ तो गया, नेक्स्ट मंथ यानी कि आपको मार्च में इसकी लॉन्चिंग इंडिया में देखने को मिल जाएगी। तो भाई कमेंट करके बताना कि आप लोग कितना वेट कर रहे हो अगर ये आती है तो 100 सीसी के सेगमेंट में, जो स्प्लेंडर वगैरह है, प्लेटिना है, क्या इनको ये टक्कर देगी। और होंडा का ट्रस्ट तो आप लोगों को पता ही है, मैं खुद एक होंडा फैन बॉय हूँ। तो यही छोटा सा मैंने वीडियो था, मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा देते हैं कि भाई 100 सीसी के सेगमेंट में होंडा की तरफ से कुछ बड़ा धमाका आने वाला है। तो आपको ऐसे ही अगर वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे ही कुछ भी लॉन्च हो जाएगा डिटेल में आप लोगों के पास इसके रिव्यू वगैरह सब कुछ पहुँच जाएंगे, बस उसके लिए आपको सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।